सभी का मंगल हो, इसी जो कड़ियाँ चली आ रही है, बेटा बहू सास ससुर, इसी में एक अंतिम कड़ी है। हम अपने माता पिताओं की बात कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कितने संवेदनशील हो जाते हैं, अति संवेदनशील नहीं, अति मतलब सेंसिटिव नहीं, हाईली सेंसिटिव हो जाते हैं। हमें लगता है बस मेरे बेटा बेटी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, सच्चे हैं, दिल का चेहरे भाई ठीक है, मान ली आपके बेटे ही बेटी सबसे सच्चे सबसे अच्छे हैं, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि आपने अपने बेटे बेटियों में क्या लखन डाला, ये तो बताइए। वो भोली सी सूरत लिए रहता है लेकिन अत्यधिक खुदगर्ज, बहुत ही स्वार्थी, लोभी, पद और धन का विशेष लोभी, उस बस वही उसकी ज़िंदगी का टारगेट है। और भोला ऐसा दिखेगा कि शायद ये साधु महात्मा ही उतर के अवतरित दोबारा होके आ गए। दूसरा पॉइंट, किसी भी प्रकार से आप ये देख लीजिए कि कोई भी, जिसको कहना चाहिए ना, कोई विशेष अच्छे ढंग से, कोई एक व्यवहार कुशलता की जो बात होती है ना, वो उनमें है ही नहीं। तो खाली एक सज्जन बेटी होना या बेटा होना या क्या कहते हैं सज्जन दिल से अच्छे होना, इसका अच्छी बात है लेकिन ज़्यादा फायदा क्या है जब व्यवहार कुशल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है व्यवहार कुशल भी नहीं है, और साथ साथ में फिर एक और भी चीज़ आती है, वो क्या आती है, वो पूजा पाठ का शौक नहीं है, मतलब वो कार्य ही नहीं है। तो सारी चीज़ मिक्स करने के बाद अल्टीमेटली इतना भी ममता के अंदर पागल मत बनो, इतने भी अति संवेदनशील हाईली सेंसिटिव ना बनो जिसके कारण से आपके बच्चों के अंदर कमी हो। कोई भी मेहमान आता है, कोई भी और आते हैं, तो कुछ नहीं, ऐसे जैसे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अच्छी चीज़ उनको समझनी नहीं है, कोई दिल के दिलदार नहीं है, केवल बातें बना लो, इधर से उधर हर बात को नोट करते चलेंगे और मनिए आप लोगों के पास, अपनी माँ के पास, अपने बापू के पास, अपने परिवार में पिरोते चलेंगे, बताए चलेंगे, ये कोई अच्छी बातें हैं? मुझे बताइए क्या आपने लखन डाले, आपने कोई लखन डाले आपने? लखन मतलब क्या आपने स्वभाव बनाया? लेकिन नहीं, दिल के अच्छे हैं, सच्चे हैं, सारी बातें मान ली भाई, व्यवहार कुशल तो नहीं है ना। हाँ, इधर की उधर करना, सारी बातों को अपने हिसाब से एंगल से सेट करके बताना, अपने अपने पीयर के अंदर, मान लो लड़कियाँ हैं तो बेटा तो अपनी माँ को, बेटी है तो अपनी माँ को, चाहे शादीशुदा भी हो, कोई हाव भाव नहीं, कोई क्या कहते हैं, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं, बस कुछ नहीं। क्या मतलब बनता है मुझे ये तो बताओ। आपने अपनी बेटी को कोई लखन तो विशेष डाले नहीं, ना खाने बनाने का है, ना और कोई चीज़ का है, ना कोई विशेष बात है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत जो उसने कर लिया सारी चीज़ ठीक है, सब कुछ है। हाँ, बस ये है कि हर चीज़ में फाइट करती है, जरा भी कोई बात हो फाइट में आ जाएगी, तर्क वितर्क में आ जाएगी, फाइट का तर्क वितर्क में आ जाएगी, कैसे पार पड़ेगी बताइए आप। आपका बेटा है वो एक अलग ही स्वभाव का है, कैसे पार पड़ेगी बताइए आप। तो इसीलिए समाज की नज़रों में, परिवार के और बड़े परिवार कुनबे की नज़र में, आस पड़ोस सबकी नज़र में, कम से कम उस बच्चे के अंदर व्यवहार कुशलता हो, चेहरे पे केवल मासूमियत के पीछे या नहीं भी मासूमियत तो भी खुदगर्जी स्वार्थी लोलुपता ना चल के। वो आपने नहीं बताया, आपने तो ये बताया बेटा बड़ा बनना, नाम कमाना, पद लेना, धनवान बनना, बाकी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में, ऐसे नहीं, दूसरे ढंग से बोलते हैं, कहने का तो तरीके बहुत होते हैं, वो उसका सबका अगर हम एक लाइन में अर्थ निकालें वो यही निकलता है। मंगल कामना, नमस्कार।